रुद्रप्रयाग कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पास में गुलाब राय है, जगह का नाम रुद्रप्रयाग के पास ही है। तो यहाँ रामकथा होगी गुलाब राय का जो फील्ड मैदान और बापू आने वाले हैं, फर्स्ट दिन की कथा। और ये शानदार पांडाल बना हुआ है जिसमें मेन कथा होगी। और आगे उस तरफ दो बड़े बड़े डोम हैं खाने के लिए, एक लोकल्स के लिए भी बहुत बड़ा है और एक बगल में भी है। और ये गीता प्रेस का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे पीछे, इधर व्यवस्था है। और ये ऑफिस था यहाँ का रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए, जितने भी लोग बाहर से आए हैं सबके लिए रहने की अच्छी होटलों वगैरह या रूम्स हैं, हॉल्स हैं, वहाँ पे व्यवस्था हुई है। और मौसम भी बड़ा प्यारा है यहाँ का, देख लीजिए। और यहाँ के लोकल पब्लिक्स भी काफ़ी उत्साहित हैं इस कथा के बारे में। और ये है कथा का पांडाल। बहुत जगह तो बहुत बड़ा रहता है लेकिन ये पहाड़ के हिसाब से तो पांडाल भी छोटा ही है। और अभी लगभग 4 बज चुका है, बापू आने ही वाले हैं कुछ ही समय में। बहुत सिस्टमेटिक है, खाने की भी अच्छी व्यवस्था है, बहुत हर चीज़ सिस्टमेटिक है। और इस गेट से बापू आने ही वाले हैं कुछ ही क्षणों में। मैं 15-20 साल पहले इधर घुमा हूँ इन इलाकों में, तो काफ़ी कम घर वगैरह थे, अभी तो पूरे शहर हो चुके पहाड़ों में भी। छोटे बच्चों को तिलक लगवाने का बहुत शौक रहता है, देखिए। आप भी आ गए? हाँ, मैं भी आ गया हूँ। श्री बापू पधार चुके हैं, ये बापू पधार चुके हैं। बापू जय सियाराम। तो श्री मुरारी बापू पधार चुके हैं कथास्थल पे, जो कि रुद्रप्रयाग में हो रही है 27 आज अप्रैल से 5 मई तक। और निज मन मुकुर सुधार, जो दायक ज्ञान के सुमिरो पवन कुमार, पल बुद्धि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उजागर राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आत्मजोर ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर,
राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंग जरा। ये यहाँ का भोजन का इलाका है, अभी का खाना तो निपट चुका है। Yeah.